क्या नाम है आपका? खाते खाते बात कीजिए, क्या नाम है? देवेंद्र जाकेवार जी। तमाम अलग अलग शहरों में कितना काम लगता है कि बेहतर हुआ? ये विकास तो बहुत हुआ सर, और वो होता रहेगा, उस पर कोई बात नहीं। बीजेपी शासन है, बीजेपी प्रशासन है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, प्रदेश में भी है, जब तक बीजेपी सरकार है यहाँ विकास होता रहेगा। हाँ, बस पुलिस प्रशासन थोड़ा गलत है, थोड़ा पुलिस प्रशासन और ठीक हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कमलनाथ जी की भी सरकार थी, तो उसमें क्या बेहतर काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, जो 15 महीने 14 महीने की कमलनाथ सरकार थी उसमें कुछ काम ही नहीं हुआ ना, तभी सरकार गिर गई। पर सिंधिया जी भी बीजेपी में शामिल होगा इसीलिए। बाकी प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया, वो करते रहे, बहुत अच्छी बात है ये। तो अब तो लोकसभा का चुनाव है, पहले तो विधानसभा में बदलाव देख रहे थे हम, लेकिन लोकसभा में क्या होने वाला है, क्या लगता है? क्योंकि मोदी जी अपनी बातें कर रहे हैं, तो मोदी जी की बातों पर लोग भरोसा कर रहे हैं, उनके दावों पर भरोसा कर रहे हैं, और कितना फायदा उनकी योजनाओं का मिल रहा है, कुछ बताइए सर। 400 पार कंप्लीट है इस बार जी। क्यों जरा बताइए, दो लाइन में बताइए। मोदी जी ने कार्य किया है, आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए इंडिया आज किस लेवल पर है। आज से पहले जब बीजेपी सरकार से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस बस बोल पाई है, वादे कर पाई है। राम मंदिर देखिए, कांग्रेस चिल्लाई है मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे, बीजेपी ने बना दिया मंदिर। तो ये काम कांग्रेस की बस की नहीं थी, मोदी जी ने काम किया, बीजेपी प्रशासन ने काम किया, और बीजेपी आगे भी करती रहेगी और जीतेगी, और 400 पार मोदी जी इस बार जाएंगे। तो अभी जो सांसद थी साध्वी प्रज्ञा, तो उन्होंने यहाँ कामकाज किया, कुछ काम भोपाल में हुआ, क्योंकि इनका लोकसभा क्षेत्र था, क्या लगता है, मतलब विकास हुआ है? जी, काम तो किया उनने भी, और मेरे पिताजी तो खुद भोपाल सांसद जी के बंगले पर हैं, तो काम तो उनने किया है। क्या लगता है आप, सांसद जी के यहाँ से भी जानकारी आपको मिलती है, आप खुद भी अपने दोस्तों में उठते बैठते हैं, तो मुद्दे क्या रहेंगे? राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ेगा, विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, क्योंकि राम मंदिर तो अभी अभी बना है, और अब नेता इसकी चर्चा भी कर रहे हैं अपने भाषणों। सर, वोट तो विकास के नाम पर आएगा, बाकी राम मंदिर का जो था मुद्दा वो तो खत्म हो चुका है ना, अब तो राम मंदिर बन गया तो मुद्दा ही खत्म हो गया वाला, अब तो बस विकास है, विकास के उस पर वोट डलेगा और बीजेपी जीतेगी। तो कांग्रेस तो कह रही है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने ठगा, देश में भी बीजेपी ने ठगा, तो मध्य प्रदेश के लोग भरोसा करते हैं? मध्य प्रदेश क्या, पूरे देश के लोग भरोसा करेंगे। कांग्रेस कह रही है ठगा, तो आप खुद देखिए ना, विकास इतना हुआ है, कांग्रेस ने क्या करा तब टाइम तक, कांग्रेस प्रशासन, केंद्र में कांग्रेस की सरकार 30-35-55 जो भी साल थी, मुझे तो इतना नहीं पता, पर थी, तो कांग्रेस ने क्या कर पाई? कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, तो अब दूसरे को ठगी बोल रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।